राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर मैं पंडित अरविंद तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम केतु ग्रह के बारे में बात करेंगे। केतु है क्या? केतु हमारे इस दुनियावी सफर में हमें किस किस रूप में मिलता है, हमारे शरीर में केतु कहाँ है, हमारे विचारों में केतु कहाँ है, अगर केतु अच्छा हो तो क्या होता है, केतु बुरा हो तो क्या होता है, इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो लाल किताब केतु को सबसे जो पहला लफ्ज कहकर संबोधित करती है तो वो है दरवेश। दरवेश का मतलब भिखारी माना गया है, शुद्ध जो उसका रूप है वो भिखारी है। केतु वो भिखारी है जो अपने गुरु के दर पर उसका दीदार करने के लिए, उसके विचारों को सुनने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, उस ईश्वर का रास्ता जानने के लिए भीख मांगता है और हमेशा एक कुत्ते की तरह अपने गुरु का वफादार रहता है। गुरु चाहे उसको नकार दे, गुरु चाहे उसको धिक्कार दे, गुरु चाहे उसका मक्कार हो, गुरु चाहे उसको झूठा ही ज्ञान दे, लेकिन केतु एक कुत्ते के माफिक जिसके साथ जुड़ गया, उसके साथ जुड़ गया, फिर उसके साथ उसकी प्रीत कम नहीं होती। अब चाहे उसका मालिक उसे रोज मारे, रोज दुत्कारे, लेकिन केतु कभी उसका लड़ या उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसे केतु कहा जाता है। पुराने समय की बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं, इसमें स्वामी विवेकानंद जी की भी है। जब उनके गुरु श्री परमहंस जी ने उन्हें अपनी लात से मारकर ज्ञान की अनुभूति करवाई थी, ऐसे ऐसे गुरु जगत में हुए जिन्होंने केतु कहिए कि वो इंसान की सारी उम्र खा गए, लेकिन उसको ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान दिया अंतिम समय में, जब उस ज्ञान को वो प्रयोग ना कर सके। तो केतु सबर है, केतु समर्पण है, केतु सेवा भाव है, केतु इच्छाओं का अंत है, केतु वह चीज है जो अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को नष्ट करके गुरु के पीछे पीछे सारी उम्र चलता है। जैसे श्री गुरु नानक देव जी के साथ उनके भगत, उनके चेले साथ साथ चले, बाला और मर्दाना, ऐसा होता है केतु। केतु हमारी औलाद। केतु का सही अर्थ है हमारी औलाद, जो हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। अब पढ़ी लिखी दुनिया कहती है कि औलाद अपने जीवन में बिजी है, होना भी चाहिए। अब केतु का जो सही अर्थ था उससे दुनिया हट चुकी है, अब केतु के माध्यम से शान शौकत देखना चाहती है। हमारा बच्चा बुलंदी पर पहुंच जाए, हमारा बच्चा अथाह धन कमाए, बड़ा मकान बनाए, फिर उसमें अकेला रहे, वो अकेले रहे हम, जबकि केतु सहारा है, केतु लाठी है। जब बुढ़ापा हमें आता है ना, तो वो जो लाठी रहती है वो केतु है। केतु दुनियावी सफर में चार पाई है, आज के समय में उसकी परिभाषा बदल के बेड हो गई, लेकिन चार पाई।
कहते ना प्राण निकले ना चारपाई छूटे, जिसका केतु खराब होगा वो चारपाई पे तड़प तड़प के मरेगा। मौत बहुत लंबी तकलीफ भरी कब होती है? जब हम दूसरों के आगे अपना दुख रोते हैं। सारी उम्र हमने दूसरों के आगे अपना दुख रोते रहे और आखिर में केतु ने हमें अपना बुरा असर दिया। हमारी मौत पलंग पर, बेड पर, चारपाई पर तड़पते तड़पते हुई। केतु शानो शौकत, यानी कि वो शानो शौकत, बढ़िया मकान, बढ़िया रहन सहन, बढ़िया खान पान, दुनियावी हर सुख, बढ़िया, ये केतु उच्च गिना जाता है। यानी कि जिसका केतु उच्च है उसे ये सब सुख मिलते हैं। रीढ़ की हड्डी हमारी जबरदस्त, कभी कमर की दर्द ही नहीं हुई, कभी ज्वाइंट्स की पेन ही नहीं हुई, कभी घुटनों में दर्द ही नहीं हुआ। कहने का मतलब जिसका केतु बढ़िया है ना, उसे दुनियावी सुख पूरे मिलेंगे, शारीरिक सुख पूरे मिलेंगे। जिंदगी का ये जो सफर है ये केतु से संबंधित है, क्योंकि जो पांव है ना हमारे चलते वो केतु हैं। अगर केतु खराब हो तो ये दुनियावी सफर एक व्यर्थ का सफर बन के खत्म हो जाता है। आप दुनिया में आते हैं, आप किसी के घर में जन्म लेते हैं, संस्कारहीन वो परिवार होता है, बेढंगी आपको जिंदगी जीनी पड़ती है, कोई ढंग की चीज आप पूरी जिंदगी में सीख नहीं पाते, दुनियावी आचरण आप सीख नहीं पाते, प्रभु का भजन सिमरन नाम आप सीख नहीं पाते। दुनिया में आपका सफर सिर्फ खाने पीने से, पहनने से और तरह तरह के भोग भोगने से, गंदे भोग भोगने से संबंधित होकर रह जाता है। या कई बार देखा जाता है कि आप ज्ञानवान होते हुए भी धर्म को समझ नहीं पाते, यानी कि एक पढ़े लिखे मूर्ख की जिंदगी जीकर मर जाते हैं और अध्यात्म का, ज्ञान का आपको अनुभूति नहीं हो पाता और आप अहंकार में इस कदर फंसे होते हैं कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे से श्रेष्ठ कौन होगा। जबकि दुनिया की सच्चाई ये है, दुनिया में जिसने भी पहला कॉलेज या पहला स्कूल खोला उसके पास डिग्री कहां से आई थी? उसको किसने ये मान्यता प्रदान की थी कि तुम लोगों को डिग्रियां बांटोगे? ज्ञान का संबंध कभी भी किसी डिग्री के साथ नहीं है, केतु के साथ है। जिसका केतु अच्छा है उसे ऑटोमेटिकली ज्ञान होगा, चाहे वो कक्षा एक पढ़ा हो, पांच पढ़ा हो, दस पढ़ा हो या बहुत हाई स्टडीज की हो। और जिसका केतु नीच होगा उसमें ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं पाई जाएगी। ये सच्चाई है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। तो केतु ज्ञान की वो भूख है जो केतु अच्छा हो तो बढ़ती ही चली जाती है, क्योंकि केतु को चाहिए ही सिर्फ ज्ञान, दुनियावी ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, हर तरह का ज्ञान प्राप्त करना केतु की भूख है। केतु बचपन की वो 13 साल की उम्र जब पांव हरकत में आते हैं तो वाहन चलाने की तरफ, साइकिल चलाने की तरफ, भागने की तरफ, दौड़ने की तरफ, आजाद उड़ने की चाहत लेकर आगे बढ़ते हैं। बचपन का जिद्दी हो जाना, जिसके पास पीछे जिम्मेवार चंद्रमा होता है, सूर्य होता है, बृहस्पति होता है, तो ये वो केतु है जो बचपन के साथ संबंध खाता है। फिर केतु की उम्र आती है सीधा जाके 47 साल में, वहां पर केतु का स्वरूप बदल चुका होता है, वो दुनियावी हर रस को चख चुका होता है और सोचता है कि मेरा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, क्या कहानी है मेरी,
क्या करने आया था, क्या पा लिया। और ये कहानी ज्योतिषियों पर तो बाखूब घटित होती है। ज्ञान की भूख में दौड़ते हैं, भागते हैं, लेकिन फिर भी रूह प्यासी। और जब थोड़ा सा पानी मिला भी तो उससे भी हाथ धो लिए। चलो, यानी कि दादे का पोता केतु है। अब केतु की क्या महिमा गाऊं, बलाय बद भी केतु है। आप पर भूत प्रेत का असर हो जाना ये भी केतु की खराब निशानी है। केतु शुक्र का तो दोस्त है, यानी कि ऐशपुरी, लेकिन चंद्र का दुश्मन है, क्योंकि केतु त्याग है, सब कुछ छोड़ दो, घर बार छोड़कर, परिवार छोड़कर रात के समय में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन जाता है। केतु है ये। दुनिया से मुंह का भंग हो जाना रात के समय में उठकर योगी सन्यासी बनकर निकल जाना केतु का स्वरूप है। फिर ये केतु राहु के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब राहु की खराबी हो तो केतु अपने आप खराब हो जाता है, यानी कि उस ईश्वर की तलाश में निकले और राहु की उलझने, मिला फिर भी कुछ नहीं, ना माया मिली ना राम। तो केतु को अच्छा रखना बेहद जरूरी है। बृहस्पति का साथ, यानी के गुरु का साथ, पिता का साथ, दादा का साथ केतु के लिए हमेशा अच्छा है। अगर ये ग्रह आपके अच्छे हैं, पिता ज्ञानवान है, ये ना हो पिता आपसे ही शिक्षा ले रहा हो पिता आपसे ही शिक्षा ले रहा हो, खुद नेगेटिव हो रहा हो, आप उसको समझा रहे हो। अगर ये आपके अच्छे हैं तो पिता आपको सच्चा ज्ञान देगा, गुरु आपको सच्चा ज्ञान देगा।